हेलो माय यूट्यूब व्यूवर्स, बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि लॉन्ग हेयर कटिंग कैसे करें और उसका पूरा वीडियो दिखाया जाए, सो हम आपके लिए लाए हैं हेयर कटिंग का पूरा वीडियो। तो गाइस, पहले सेंट्रल में एक सेक्शन करना है, फिर फ्रंट वाले बालों को आगे की तरफ बिल्कुल कॉम करके क्लाइंट को जितने शॉर्ट चाहिए उसके हिसाब से कट करना है। गाइस, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हेयर कट करते समय हमें ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि क्लाइंट को बाल कितने लंबे चाहिए उसके हिसाब से कट करना है। उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट सेक्शन लिया था ईयर टू ईयर, वैसे ही हमें सेकंड सेक्शन लेना है और फर्स्ट सेक्शन के साथ मर्ज करना है। और जो हमने फर्स्ट लेयर कट किया था वो हमारी गाइडलाइन बन चुकी है, उसके हिसाब से हमें सेकंड लेयर कट करना है। अगेन हम थर्ड सेक्शन लेंगे और वापस से सेम टू सेम हम रिपीट करेंगे, आगे की और कॉम करेंगे प्रॉपर और गाइडलाइन के हिसाब से हेयर को कट करेंगे। गाइस, हेयर कट करते समय एक बात का ख्याल ज़रूर रखें, क्लाइंट को बालों की लेंथ कितनी चाहिए। अगर क्लाइंट को लंबे बाल पसंद है और हमने छोटे कर दिए तो क्लाइंट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगेन हमें दूसरी साइड ईयर टू ईयर बालों को प्रॉपर टैंगल फ्री करके कॉम करना है और गाइडलाइन लेनी है और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बालों को आगे की ओर कॉम करके कट करना है। अगेन उसी सेक्शन की गाइडलाइन बना के हमें सेकंड सेक्शन लेना है और फर्स्ट वाले ईयर टू ईयर गाइडलाइन वाले बालों के साथ मर्ज करके हमें सेकेंड सेक्शन को भी फर्स्ट सेक्शन के साथ कट करना है। हेयर कट करते समय हमें डिग्री का ख्याल ज़रूर रखना है, जैसे हमने फर्स्ट लेयर में जो डिग्री ली है उसी डिग्री पे सेकेंड लेयर का कटिंग होना चाहिए। अगेन थर्ड सेक्शन लेना है और उसी हिसाब से उसी डिग्री पर हमें, और इनके बालों की जो लेंथ है वो अच्छी खासी लंबी थी बट इनको चाहिए थी मीडियम लेंथ, है ना। तो हम कट करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बालों को वेट करेंगे और कटिंग करने से मीन्स जब भी कोई कटिंग करें उनके बालों में थोड़ा सा भी तेल नहीं होना चाहिए, है ना। हेयर वॉश होने चाहिए, तेल नहीं होना चाहिए। और अभी हमने क्या किया, बिल्कुल सीधा सीधा कट कर दिया जो एक्स्ट्रा बाल थे, है ना। उसके बाद हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग की है, अभी कैमरे में आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। फ्रंट वाले हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग की है, उसके बाद में हमने क्राउन सेक्शन से ये थोड़े से इस तरीके से बाल निकाले हैं और इसके हम कर रहे हैं अभी गाइडलाइन तैयार। हम इसको इस तरीके से कट करेंगे कि इनको जहाँ तक लेयर चाहिए ना, मीन्स स्टेप कटिंग इनको जितना ऊपर चाहिए उतना हम बिल्कुल इनका सीधा कट कर देंगे। ये हमारी हो जाएगी गाइडलाइन तैयार। और यहाँ मेरे स्टूडेंट ने एक गलती की, बाल जहाँ से पकड़े हैं उसके नीचे से इनको कट करना चाहिए था बट इन्होंने अपने फिंगर से ऊपर वालों को कट किया है। ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, है ना। सो आपको ऐसा नहीं करना। तो अभी आपने देखा इन्होंने क्या किया, सीधे से एक सेक्शन निकाला, ऊपर से नीचे तक एक सेक्शन निकाला और बिल्कुल सीधा ऊपर तक लेकर के गए 90 डिग्री तक, और एकदम जो हमने गाइडलाइन तैयार करी थी ना उससे मिलाया और बाकी जितने भी एक्स्ट्रा बाल थे ना सीधा कट कर दिया और कुछ नहीं किया। सो हम इसी तरीके से पूरे जो बैक वाले हेयर है ना सेम ऐसे ही करेंगे, थोड़े थोड़े बालों को लेंगे और जो हमने गाइडलाइन तैयार की थी उससे हमें मिक्स करते हुए जाना है इस तरीके से, आप देख लीजिए। और जितने भी एक्स्ट्रा हेयर बचते हैं ना सीधे उनको कट कर देना है। सीरियसली कह रही हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा इजी कट है ये, कहीं से भी बिल्कुल तामझाम नहीं है कि यहाँ से ये लेयर निकालो वो लेयर निकालो, बहुत इजी है और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एक एक लेयर बहुत अच्छे से निकल करके आती है, बहुत फिनिशिंग से हेयर कट होता है। तो आप देख लीजिए मेरे स्टूडेंट किस तरीके से कर रही है ना, पीछे के जितने भी हेयर है ना उनको थोड़े थोड़े सेक्शन लेके सीधा ऐसे ही करना है, सेक्शन लेना है सीधे कॉम की हेल्प से ऊपर तक लेकर के जाना है 90 डिग्री तक, और जितने भी एक्स्ट्रा हेयर बचते हैं सीधा कट कर देना है।
तो आपको अगर मेरे बोलने के तरीके से नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ देखने से तो समझ आ ही रहा होगा ना, तो अगर आपको समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करना कि आपको वीडियो अच्छी लगी है ना। और पंखा बंद करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। सो अभी आप वीडियो को देखें।
ना ढीली वो नहीं करनी है, ठीक है, मोड़ना नहीं है। और ये गर्दन आपको ये थोड़ी यहाँ लगानी है, मोड़ो जितनी यहाँ लगी रहनी चाहिए आपके। हाँ जी ऐसे ही रखनी है। और ये वाले बाल हम पूरे कंघी करके ले जाएंगे आगे, ओके। अब ये जो बाल हम लाएंगे ऐसे कंघी करके, ये अब ये जो ऊपर वाला ये बाल आएगा ना इनके पड़े हैं, अब इन्हें करने हैं इतने कम से कम। क्योंकि जो ये नीचे के रफ बाल है ना ये और अब इन्हें छोटे कितने आगे से कितने छोटे करने हैं सरला जी आपको? देखिए भाई जी कान के पीछे आ गया मतलब परेशान हो। और हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस गर्दन नहीं हिलानी आपको, उसी पे रखे रहना वो। हाँ नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगी इसी है। अच्छे से कॉम करेंगे छोटे छोटे सेक्शन लेके और एक साथ कट कर फिर कंघी करेंगे हिलाऊंगे। कॉम का ध्यान रखेंगे क्योंकि अच्छे से कंघी कर कर करेंगे तो फिर ऊंचे नीचे ज्यादा नहीं वो निकलेंगे, छोटे बड़े बाल हो जाते हैं ना जितने अच्छे से और टाइट हाथ रखोगे। इसके बाद ना एक और बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी कि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। पूरे बाल अच्छे से कंघी करेंगे कमर सीधी रखें मॉर्निंग गर्दन टेढ़ी तो नहीं है। ये हल्के से बड़े लग रहे हैं तो हमने वापस से फिनिशिंग कर ली। इतनी इजी इजी कटिंग होंगी कि आपको लगेगा कहीं बाल फंसा हुआ तो नहीं है, इधर चेक कर लेंगे। ठीक
सीख लगा। हाँ ये 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 नहीं नहीं ये ऐसे बिठाऊंगी मैं। अब आप ऐसे करके ना हम इन्हें क्या कर रहे हैं, हम राउंड राउंड करके अच्छे से प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है अब ये, अब आप इधर पीछे बैठेंगे आराम से, ठीक है। इसमें हमने कोई अच्छे से प्रेस करेंगे क्योंकि ड्रायर नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बहुत थोड़े पीछे हो, लाइट लाइट कर लाइट क्या? कोई ना कोई नया नमूना आ रही है, थोड़ी सी और करना, ठीक है डालू। बंद करो दोबारा क्योंकि इतनी सी फिर कट करनी पड़ेगी। वो कर दी कट, कट कर दो, दोबारा से बना लो, कर दे हल्की सी, ठीक है। अब ये और बहुत ही आसान तरीके से, तो किस तरह से करते हैं तो मैं बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मेरे क्लाइंट हैं इनके जो हेयर हैं वो लॉन्ग है और इनको शॉर्ट करना है और वी शेप में चाहिए इनको, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आज मैं कट आपको बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से बाल को अच्छे से पहले कॉम कर लेना है, बाल को अच्छी तरीके से स्प्रे करके कॉम कर लेना है। उसके बाद में आपको दोनों साइड से हेयर को इस तरीके से, आप देख सकते हैं मैंने दोनों शोल्डर पे इस तरह से साइड साइड के हेयर के लेके शोल्डर पे लिया है और दोनों को बीच में लाके मैं इक्वल कर ले रही हूँ और इसको मैं बीच से कट कर दूँगी। बीच में ही लाके कट करना है, साइड में नहीं। तो दोनों देख सकते हैं मैंने बीच में कट कर दिया है और अभी हम जो है लेंथ लेने वाले हैं। अभी तो मैंने शॉर्ट में कितना शॉर्ट करना है वो लिया, अब हम बीच में लेंथ लेंगे कि कितने लेंथ पे रखना है, हम जो है कितनी इनको हाइट चाहिए हेयर की, तो हम बीच का जो है लेंगे। तो इस तरीके से मैं पहले बीच का जो है लेंथ ले ले रही हूँ। तो बीच का लेंथ लेने के लिए बीच के ही हेयर को मैं ली हूँ और इसको जो है कि आप देख सकते हैं कम से कम मैंने ऊपर की हाइट से जो नीचे की हाइट है वो इसको 6 से 7 इंच कम से कम हम रखेंगे। जो मैंने पहले कट किया उससे इसको जो है कम से कम 6 से 7 इंच हम लेंथ रखने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं मैंने कट कर दिया है और अभी जो है इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर दूंगी, आधे उसमें मिला दूंगी और आधे हम इसमें मिला देंगे। और अभी आप देख सकते हैं मैं कितने आसान तरीके से मैं हेयर कट करूँगी और बहुत इस तरीके से आप करेंगे बहुत ईजी तरीके से कर सकेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो मैं पूरे अच्छे से पतली कोम ली हूँ, यहाँ पे मैंने पतली कोम लिया है। तो इस तरीके से अच्छे से कोम कर लेना है, हेयर को क्रॉस लाना है, शोल्डर की तरफ लाना है पूरे हेयर को और लाके इस तरीके से जो मेरा मैंने ऊपर की हाइट ली है, ऊपर मैंने शोल्डर की तरफ से फर्स्ट मैंने कटिंग करी है वो, और जो मैंने लास्ट में नीचे का लेंथ लिया है वो, उसमें मैं कोम से इस तरीके से क्रॉस रखूंगी। आप देख सकते हैं मैंने क्रॉस रखा है ऊपर से नीचे वाली लेंथ में मैच करते हुए कोम को मैंने क्रॉस करके हेयर में ही रख दिया और नीचे के बाल पकड़ के मैं इस तरीके से कट कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना आसान तरीके से एक बार में ही जो है कि मैंने कट कर दिया है और आप देख सकते हैं शेप भी प्रॉपर आ गया है। अब मैं आपको इसी तरीके से इस तरफ भी बताने वाली हूँ, अगर आप उधर अच्छे से ना देख सकेंगे तो मैं इधर से मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैंने किस तरीके से जो है कॉम में हेयर को जो है रखा था। तो आप देख सकते हैं
मैंने उधर की लेंथ ली हूँ, मैच करी हूँ, और इसमें पहले से भी है। तो जो ऊपर का मैंने शोल्डर की तरफ का है कट वो, और लास्ट का नीचे का जो लेंथ है उसको मैं दोनों को फॉर्म में आपको मैं दिखाने वाली, मैंने किस तरह से लेना है, इस तरीके से क्रॉस कर देना है, उसी के लेवल में क्रॉस कर दे रही हूँ मैं। नीचे की लेंथ पे नीचे कॉम कर दे रही हूँ, और ऊपर का जो शॉर्ट की हूँ ऊपर के शॉर्ट वाले हेयर में ऊपर की तरफ कॉम कर दिया है, आप देख सकते हो। और इधर की तरफ आपको सीजर ऊपर से जो है कि नीचे की तरफ चलाना है, और लेकिन जो कट का है वो कट से मैच करते हुए हेयर को जो है कट करना है वह। तो आप देख सकते हो कितना आसान तरीके से कट हो गया है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और आसान तरीके से हो गया। अब मैं कॉम करके आपको दिखाने वाली हूँ, आप देख सकते हैं शेप, देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, वी शेप आया है। आप बहुत ही आसान तरीके से अगर पार्लर चला रहे हैं तो पार्लर में कर सकते हैं, घर में है तो घर में भी बहुत आसान तरीके से ये कट कर सकते हैं। और इसको कैसे है ना कि अगर बांधेंगे तो हेयर पोनी वगैरह बनाएंगे तो भी एकदम लेयर जैसा दिखता है, अच्छा भी लगता है। तो अब हम इसमें जो है देने वाले हैं, ट्रिम करने वाले हैं। तो जो इधर की ट्रिमिंग है, इधर की ट्रिमिंग हम आगे से करेंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ हम सीजर चलाने वाले हैं। आप देख सकते हैं नीचे से सीजर आपको नहीं चलाना है, क्योंकि नीचे से चलाएंगे सीजर तो हेयर थोड़ा दब जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, कट शेप नहीं आएगा। तो सीजर को अभी देख सकते हैं माप मिक्स करना, और सीजर को ऊपर से ही लेना है। और ये चीज आपको भूलना नहीं है कि जब भी कट करेंगे तो दोनों शोल्डर की तरफ हाफ इधर हाफ उधर लेके कट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और आपको खड़े भी इस तरह से होना है, बॉडी मूवमेंट भी उसी तरह से रखना है कि अगर कट साइड से कर रहे हैं तो साइड में ही खड़े होकर कट करना है आपको। देख सकते हैं मैंने ट्रिम कर लिया इधर का, और उधर का कट ट्रिम करने के लिए मैं उधर के तरीके से बता देती हूँ कि किस तरीके से उधर ट्रिम करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ट्रिम कर लिया है, ऊपर शेप आ गया है, और इधर का जो लेंथ है उसको मैं मिक्स कर ले रही हूँ इसमें। आप देख सकते हैं अब इधर का जो ट्रिम करना है इस तरीके से फिंगर में पकड़ना है हेयर को। हेयर को जब भी कटिंग करें तो आप इस तरह फिंगर में प्लेन करके लेके आएं, और जीरो पॉइंट पे रखें हेयर, मतलब कट करने के लिए हाथ को भी अपने बॉडी से टच करके ही जीरो पॉइंट पे, और नीचे से सीजर ऊपर की साइड चलाना है, इस तरफ आपको ध्यान देना है। और ये जो अब पहले जो है मैंने जो कट किया था, ट्रिम किया था, वो मैंने राइट साइड किया था, ऊपर से सीजर नीचे चलाया था, और हम लेफ्ट साइड जो करेंगे सीजर वो नीचे से ऊपर की साइड जो है कि ट्रिम करेंगे। तो अभी देख सकते हैं मैंने इसी तरह से आपको ट्रिमिंग करना है नीचे से ऊपर की तरफ, और ध्यान आपको जो है कि आपको कटिंग पे अच्छे से ध्यान देना है। आप फॉलो करते रहिए, मैं किस तरीके से कर रही हूँ उसी तरीके से आपको करना है। और ट्रिमिंग बहुत थोड़ा थोड़ा ही करना है, लाइट लाइट। और कटिंग करते जाना है, और आपको शेप जो है माप जो है वो लेते जाना है शेप के लिए, इस तरीके से देख सकते हैं। और आगे के ट्रिमिंग करना है तो हेयर को आगे लेके करना है इस तरीके से। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्रिमिंग कर ली है, तो मैं किस तरीके से करती हूँ आप अच्छे से ध्यान देते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, और आप सबका कमेंट आता है और मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, और सबके कमेंट का मैं धीरे धीरे करके वीडियो बना के जरूर अपलोड करूँगी। और मैं यहाँ पे ट्रिम कर ली हूँ, तो मैं पूरे हेयर को इस तरह से पूरे हेयर को पलटी कर लूँगी, क्रॉस में हाफ हेयर को मैं पलटी करके चेक कर लूँगी, क्योंकि